हमारे धर्मपाल जी ने की है, उन नाके वो भी बन पाएंगे, बाकी लोग घर पे घर बैठे हुए, मैं तो 31 मार्च को अपने घर में चला जाऊंगा। रेवेन्यू विभाग से अलविदा लेते हुए मैं परामर्श दूंगा कि इसके बारे में रेगुलेशन डालिए, हिमाचल प्रदेश सरकार को जगाइए। राजा वीरभद्र से अगर मुझे कहने का मौका मिलता, भले भाषण के द्वारा नहीं मिले, तब भी मैं उनके कमरे में बैठ करके गुफ्तगू करूंगा और मैं उनको वो याद भी दिलाऊंगा कि आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। कोई बात नहीं कि कानकों के पद मिल गए, हम खुश हो गए, नाचो मत मेरे मित्रों। अगर डीजे बज भी गया तो उन गीतों को भी याद करो जो पुरानी फिल्मों से गीत चले हुए हैं, आज की फिल्मों के गीतों के और कानकों कितने भी बना लें आप, जब तक आप नायब तहसीलदार नहीं बना पाओगे तब तक आपको जो है कोई पदोन्नति नहीं मिल जाएगी। इसके लिए लैक ऑफ सर्विस कोई नहीं होनी चाहिए, सर्विस का भार कोई नहीं होना चाहिए। और एक सुझाव मैं जरूर दूंगा आपको, आपने उस सुझाव को मद्देनजर रखना है कि जो 20% जो जिन्होंने इन लोगों ने कोटा लिया है, इनसे डायरेक्ट सरकार को कहिए कि इनका कोई हक नहीं है, हमें 60% मिल रहा है, 60 में भी से हमें 10 मिल रहा है, 50 और लोग खा रहे हैं, उसको बंद कर दिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे ग्रेजुएट लोग थे, वो अभी भी ग्रेजुएट हैं, बड़े कम हैं मेरे मित्रों। ये मत कहो कि अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, उनके 5 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद वो इम्तिहान पास करेंगे, फिर लगेंगे जो